देखो दिक्कत है पूरी दुनिया में क्या उस टाइम पे ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो यूके या फिर किसी ना किसी कंट्री का एक तरीके से कम्युनिटी थी ठीक है कॉलोनी कौल, बना रखी थी उन लोगों ने या फिर मेजर जो कंट्रीज थी वो या तो यूएस था या फिर यूरोप की कंट्रीज थी तो कह रहे कि इन्होंने मेजरली अफेक्ट किया कौन कौन सी कंट्रीज को जैसे कि जर्मनी जर्मनी तो ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स के अंदर जर्मनी एक्टिवली पार्टिसिपेट पे था जर्मनी फ्रांस जापान यूके एंड सेवरल अदर कंट्रीज नॉट ओनली दीज कंट्रीज बट द एशियन अफ्रीकन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज और विक्टिम्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर क्योंकि इंडियंस को तो जबरदस्ती ले जाया गया था The third world countries left the need for an institution for the reconstruction of the war shattered world economies and the development of agricultural and industrial sectors of their economies the international business mechanism was significantly affected in july 1944 jo maine abhi aapko bataya tha kiske bare mein britain woods conference ke bare mein united states The International Monetary and Financial Conference was held at Bretton Woods, New Ham Hampshire. The participant countries at the Bretton Woods conference realized that only IMF cannot achieve these objectives. The conference resolved to establish another institution for the development. Just a moment, students. Uh,

तो आपको ये नाम लिखना होगा राइट तो इसलिए क्या किया गया वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया जैसा कि मैंने अभी एक छोटा सा तो इंट्रो बताया ही था कि वर्ल्ड बैंक के दो मोटिव है इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर ट्रेड को अपलिफ्ट करना और दूसरा जो उनका काम है वो पॉवर्टी का जो लेवल है उसको रिड्यूस करना है पूरे वर्ल्ड से नॉट ओनली पर्टिकुलर कंट्री ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ रहा है ऑनलाइन है कोई स्टूडेंट किसी को डाउट है प्लीज पूछो लगता है क्लास ज़्यादा सुबह होगी कोई, कोई नहीं अब ऑफ कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव करते सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे इनका काम क्या है इनका काम है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में हेल्प करना ठीक है जो भी कंट्रीज है उनको कैपिटल एक्सटेंड करवाना लेकिन किसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमीज़ डिस्ट्रॉयड और डिड बाय वॉर ठीक है किसकी वजह से जो भी जो भी वॉर की वजह से जितना भी डिस्ट्रप्शन आया है उसके अंदर जो भी नुकसान हुआ है उस चीज को अप करने के लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाना द रिकनवर्जन ऑफ

क्या चीज इंश्योर करके कि आपको गारंटी दी जा रही है किस तरह की कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए जो कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है वो वर्ल्ड बैंक ने अच्छे से समझी है उसकी पॉलिसीज को समझा है, हर चीज को समझा है तब वो एक्सटेंशन की बात करते हैं व्हेन प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल ऑन रीजनेबल टर्म्स इट्स सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑन सुटेबल कंडीशन फाइनेंस फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस आउट ऑफ इट्स ओन कैपिटल फंड्स रेट बाय इट एंड इट्स अदर वो कह रहा है अगर कभी ऐसा हुआ कि प्राइवेट कैपिटल उतना फंड मतलब उतना सफिशिएंट नहीं पड़ पाता तो वो अपने पार्ट से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उनका अपलिफमेंट हो सके अब वो कैसे करते हैं कि अपने कैपिटल से इनके पास कैपिटल कहां से आता है जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं प्लस जब आप इनसे लोन लोगे तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इनके एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बनता है आगे टू प्रमोट द लॉन्ग रेंज बैलेंसड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनकरेजिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं इनका काम क्या है लॉन्ग रेंज बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एक लंबे लॉन्ग पिक्चर के लेके चलना मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज आपके साथ कोई ट्रेड पॉलिसी बनाई और मैं अगले दो चार पांच साल में उसे खत्म कर रहे ऐसा ना करना इस चीज को इंश्योर करना कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाई जा रही हैं किसी कंट्री के अंदर कोई तरह की इंटरनेशनल uh, ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन से हो पंद्रह साल के हिसाब से हो जिससे कि दूसरी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी हमेशा क्या रह सके मेंटेन आई जस्ट होप आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पता होगा राइट right? क्योंकि हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था नेक्स्ट टू अरेंज द लोन्स मेड और गारंटेड बाय इट इन रिलेशन टू इंटरनेशनल लोन्स Through other channels so that more useful and urgent projects, large and small alike will be dealt with first wo keh raha hai loans wagaira ka का भी karna करना है? जरूरी नहीं है कि हर हाँ aap आप hi ही karenge करेंगे time ऐसा हो सकता है कि आप अपनी requirement को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं Loan वगैरह की मांग भी रख सकते हैं ठीक है अब लोन्स की जो मांग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कैसे देखी जाती है उसका क्या मतलब है इसको समझो सूरन लोन्स का कहने का मतलब ये जैसे आपको शायद पता होगा कि फिलहाल यू से मुंबई मतलब दुबई से लेके मुंबई के बीच में एक बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है ठीक है और स्टूडेंट जो ये बुलेट ट्रेन है ये अंडर द सी ट्रैवल करेगी ठीक है ये ट्रेन बनाई जा रही है इसके लिए पैसा यूएई की गवर्नमेंट का भी लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट का भी लग रहा है इसके लिए काफी अच्छा खासा एक अमाउंट जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया गया है ठीक है तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार हम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर के ही बात करते हैं देयर आर चांसेस जहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट जहां पे हम कई बारी लोन वगैरह लेकर के भी अपने काम और प्रोजेक्ट की फंडिंग को देखते हैं ठीक है नेक्स्ट हमने रखा है टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस कंडीशन इन द टेरिटरीज ऑफ मेंबर्स एंड इन द इमीजिएट पोस्ट वॉर इयर्स

स्मूथ एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड सबसे पहला काम क्या है कि आपको बहुत स्मूथ और जो टाइमली जितना फंड चाहिए वो चीज मिल जाए फॉर लैंडिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट थ्रू कर लैंडिंग करना जितना भी ज्यादा हो सके कि आपको लोएस्ट से लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के पे आपको लोन मिल जाए टू कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन द नेट इनकम एंड चार्जेस ऑफ लोन राइट मतलब इस चीज को देखना देखो इसमें एक ना कॉन्सेप्ट आता है जिससे कहा जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस कई बार जब वर्ल्ड बैंक इस बात को फील करता है कि किसी किसी कंट्री को लोन की रिक्वायरमेंट है बट वो लोन की रिक्वायरमेंट के साथ उन कंट्रीज को एक चीज और देखनी है एक चीज और समझनी है कि यार जो लोन उनको एक्सटेंड किया जा रहा है जो लोन उनको दिया जा रहा है ठीक है वो लोन के साथ साथ उनको एक चीज इंश्योर करनी है कि अगर मान लो आपको लोन दिया गया तो वो कंट्री अभी उतनी हालात में नहीं है कि मतलब आपको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सके जो कि बाकी देश दे रहे हैं तो ऐसे में जो वर्ल्ड बैंक होता है कई बार क्या करता है आपको जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे कम पे क्या करेगा लोन अवेलेबल करवा देगा ये भी उसका काम होता है विच इज नोन एक्सटर्नल समझ गए चलो नेक्स्ट देखो ऑपरेशन क्या दिए पहला है बोरोइंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक इट इन क्रिएटिंग रिसोर्स टू लैंड वेरी इजी बोरोइंग कैन बी अ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट वो कह रहा है कि देखो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से जो तुम डिस्काउंट नेट प्रोग्राम है वो कैसे किया जा सकता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और डिस्काउंट नेट प्रोग्राम अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या है समझ लो सुन देखो ऐसा होता है कि मेरे को क्योंकि डॉलर कमाना बड़ा मुश्किल है डॉलर को कमाने के दो तरीके हैं मेरे पास एक तो यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। तो लोग आएंगे घूमने के लिए, लिए तो तुम्हें पता है कि भैया डॉलर अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए स्वैप एग्रीमेंट्स को यूज करते हैं कि आपको लोन जो है आपके करेंसी सिस्टम में दे दिया जाएगा ताकि आपको उतना ज्यादा दिक्कत ना पड़े

की बात करते पहले तो कर लेंड करेगा, करेगा, तो करेगा अपने खुद के सोर्स से फ्रॉम द रिसोर्सेज बोरोड बाय द बैंक इन द मार्केट ऑफ द मेंबर कंट्रीज वो कह रहे हैं कि वो क्या करता है कि जो भी फंड उसने अदर इंस्टीट्यूशंस वगैरह से उसने रेज किया था उसी को वो एक्सटेंड करता है मेंबर कंट्रीज को लोन देने के लिए बैंक में गारंटी द लोन दैट आर रेज बाय मेंबर कंट्रीज फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेस वो कह रहा है कि जो बैंक है वो गारंटी देता है द लोन आर रेज बाय द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज ठीक है देयर इज अ लिमिटेशन द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ गारंटीज पार्टिसिपेशन इन लोन्स एंड डायरेक्ट लोन्स मेड बाय द बैंक नॉट बी एट एनी टाइम वो कह रहे हैं है या जो भी आपने लोन वगैरह दिए हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ओवर द दीरियड ऑफ टाइम वो अमाउंट जो है वो बढ़ता जाए क्योंकि तो कई बार क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो उन इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपका जो लोन अमाउंट है आपका जो फैक्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए वो उतना ही रहना चाहिए राइट

लो इनकम कंट्रीज़ अगर कोई लो इनकम में तो उस केस में भी इस चीज का आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हैलजस्टमेंट मतलब जो ऊपर आपने पढ़ा पॉलिसी चेंजेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन इन सब चीजों के लिए भी आपको फैसिलिटीज वर्ल्ड बैंक दे सकता है राइट ये लैंडिंग की बात हो गई नेक्स्ट बात करते सुन टेक्निकल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस क्या है in addition to financial assistance, the world bank facilitates technical and advisory assistance to its member countries, which includes plan the developmental programs for member countries with assessment of their need and economic resources. Sabse next, facilitates survey missions for national resources in order to formulate policies for the long-term development. ऑफ मेंबर कंट्रीज ये बात मैं आपको बहुत बार क्लियर कर चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक का काम काम केवल लोन एक्सटेंड करना नहीं है उसका काम है 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 उसका दुनिया में जो देश है, जो देश वो लोअर इनकम क्लास है, उस ग्रुप से उठ करके हायर इनकम ठीक है वाली कैटेगरी के, के अंदर पहुंचे ये सबसे बड़ा मोटिव है किसका वर्ल्ड बैंक का इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ बात ये नहीं करता कि मेरे से लोन ले लो मेरे से लोन ले लो मेरे से लोन ले लो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि लोन के अलावा अगर आपको पॉलिसीज हेल्प करने में मदद चाहिए मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में मदद चाहिए जिससे कि आपके कंट्री में इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा फॉरेन के कंट्रीज जो है इन्वेस्ट करें तो वो पॉलिसीज को बनाने की गाइडलाइन भी जो है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इसीलिए बोला गया टेक्निकल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दिनियर लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसने क्या किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को बनाया ताकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है इकोनॉमि वहां, वहां के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स है जिनका काम है कंट्री के अंदर प्लानिंग्स को करने का उनको क्या करना उनको ट्रेनिंग देना क्योंकि देखो सोन सारी बात क्या है सारी की सारी बात आती है कि आपकी कंट्री के अंदर जो प्लानिंग और पॉलिसी हैं, उन्हीं के दम पे तो कंट्री में क्या हो सकता है उन्हीं के दम पे तो कंट्री में आपके पास इन्वेस्टमेंट बाकी चीजें आ सकती हैं राइट तो अगर वो अच्छी पॉलिसीज बना, पॉलिसी बना पाएंगे उतना बेटर इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे राइट चलो अदर ऑपरेशन की बात करते हैं टू सिक्योरिटीज इट हैज इशूड टू इशूड एंड टू बाज

ताकि जब फैसिलिटेशन का टाइम आए तो वो आपको आपके करेंसीज के अंदर हेल्प कर सके <coughs> चलो मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं एनी कंट्री कैन टेक मेंबरशिप ऑफ आई बी आर डी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय साइनिंग द चार्टर ऑफ द बैंक एंड कैन बिकम इट्स सब्सक्राइबर ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द आई बी आर डी और द मेंबरशिप कैन बी सस्पेंडेड वो कह रहे हैं कि जो जो भी मेंबर कंट्रीज है वो फुलफिल कर सकती है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक है वरना क्या होगा आपकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी जाएगी ईच मेंबर स्टेट ऑफ आई बी आर डी शुड ऑल्सो बी अ मेजर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मोनटरी फंड वो कह रहे हैं कि जो हर एक मेंबर आई बी आर डी का है वो ऑटोमेटिकली किसका आई एम एफ का मेंबर भी होना चाहिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हेज वन एटी एट मेंबर कंट्री तो अगर देखा जाए तो वन नाइन थ्री कंट्रीज है वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रैंकिंग के हिसाब से जिसमें से वन एटी एट जो है वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज है चलो आगे बात करते हैं वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर की दिस इज द हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आई बी आर डी

डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम ऑफ द बैंक जो भी बैंक की नेट इनकम आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाएगी ये नहीं कर सकते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एक फॉर्मल कॉम्प्रेहेंसिव एग्रीमेंट को बनाना ताकि कॉपरेट किया जा सके अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ टलीस ऑफ द बैंक जो भी बैंक के ऑपरेशन है उनको करने के लिए, ये भी आप नहीं कर सकते भी ऊपर पढ़ा जो ये है ठीक है इनको इंक्रीज करना ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही है तो, तो खुद ही कर लेंगे इंक्रीज अप्रूव अमेंडमेंट आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट अगर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंदर कोई मतलब कोई भी अमेंडमेंट आता है तो उसको ये लोग अप्रूव नहीं कर सकते राइट

each executive director appoints an alternate with full power to act for him when he is not present to matlab wahi jaise governors ne apne paas kya rakhe the governors ne apne alternate governor rakhe to तो executive directors bhi kya kar rahe hain executive directors bhi अपने पास एक तरीके से कोई एक person को appoint करेंगे जो कि उनके बिहाफ पे जब वो लग नहीं है तो काम कर सके

और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए या फिर इनमें से कोई ऑल्टरनेट पोजिशन पे भी जाना चाहिए द द इज इज चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बट ही कैन नॉट वोट एक्सेप्ट अ डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वल डिविजन वो कह रहे हैं कि <coughs> <coughs> जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमेटी है उनका चेयरमैन कौन है प्रेसिडेंट है बट वो वोट नहीं कर सकता कब तक जब तक मान लो पार्टीज में वोट हुआ इक्वल वोट आ गए तो अब उसका जो डिसाइडिंग वोट है तो वो तभी वोट करेगा वैसे नहीं करेगा ही पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ बोर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर बट हैज नो वोटिंग राइट ठीक है वो कह रहा है मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन वोटिंग राइट उसके पास नहीं है द प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ ऑफ द बैंक एंड द द द बिजनेस ऑफ ऑफ बैंक अंडर डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन अब देखते हो कई बार सुनते वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यह है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यह है तो इस क्योंकि प्रेसिडेंट इज द पर्सन जो सामने आके सारे काम बता रहे हैं जिसे एक बात समझो कि हमें बताए हमारी कंट्री में जितने भी जो काम है वो करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे नीति आयोग अपना काम करता है रिजर्व बैंक अपना काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम करती है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपना काम कर रहा है हर एक डिपार्टमेंट अपना एक अलग काम करता है स्टूडेंट्स लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सामने कौन आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर आप सोच के देखो देखो इट्स नॉट द विजन ऑफ ओनली आर प्राइम मिनिस्टर ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का विजन नहीं है प्राइम मिनिस्टर को ये विजन देने के लिए पता नहीं कितने आईएएस कितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं और पता नहीं कितने ज्यादा मतलब मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग जिन लोगों ने बहुत सालों तक इतनी पढ़ाई वगैरह कर, कर करके उन पोजीशन तक पहुंचे हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे राइट सेम वही प्रेजेंट कर रहा है फिर एडवाइजरी काउंसिल

तो सेम यहां कि ऐसा नहीं कि आपको लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसे लेके बैठे लोन देने के लिए सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है तभी लोन दिया जाएगा चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज योर वोटिंग पावर अंडर वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर कैसे आती है वर्ल्ड बैंक के अंदर इसके बारे में लेते हैं कोटा साइन बाय द फंड इज यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द बैंक टू फिफ्टी दिया गया प्लस एक अडिशनल वोट दिया गया जो भी कैपिटल स्टॉक वर्ल्ड बैंक के साथ मैनेज uh, करते हैं उसके लिए

अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप वो पॉलिसी बना रहे हो वो रिफॉर्म बना रहे हो इसलिए जरूर बना रहे हो कि आपके देश में बेटरमेंट आ सके लेकिन अक्सर ये देखा गया कि हमेशा जो बेटरमेंट है वो अटेन नहीं हो पाया आपने टारगेट किया आपने कोशिश की है कि बेटरमेंट हो सके बट ऐसा हमेशा नहीं हो पाया कि हमेशा बेटरमेंट हो ही जाए जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि इंडिया ने भी डॉलर सेवन बिलियन का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक से मांगा था कब ईयर 1991 के अंदर ठीक है तो उन्होंने ये बोला कि हम आपको लोन देने को तैयार है लेकिन हमारी कंडीशन है आपको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा अब देखो कोई भी चीज की स्टूडेंट ना ही सिर्फ पॉजिटिव होते ना ही सिर्फ नेगेटिव होते हैं कहीं ना कहीं अगर इंडिया ने वो पॉलिसीज को चेंज किया है तो जाके इंडिया आज इस पोजीशन पे पहुंच पाया है अगर इंडिया अपने पास एलपीजी पॉलिसीज को ना अडॉप्ट करता तो स्टूडेंट्स इस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता इस एक्सटेंड पे आकर के काम करना तो ये बात है फर्दर इट हैज बीन बिकॉज इट लेट टू बी डोमिनेटेड अ स्मॉल नंबर ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज ठीक है ये तो अन्डाउटली देखो ये तो हमें पता ही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसमें पावरफुल होगा वो उसको डोमिनेट करेगा जो पावरफुल होगा वो उसको पैसे देके कुछ भी करके कहीं से भी डोमिनेट कर सकता है बैंक हेज नो डाउटी एट मेंंबर ऑफ पावर कंट्री रूल ठीक है लेकिन जो स्मॉल नंबर ऑफ पावर कंट्रीज है वही उसको सबसे ज्यादा क्या करती है एक तरीके से रूल करती है दे चूज दीडरशिप एंड सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली बैंकेंट ऑफ बैंकनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ दू एस

keep changing from time to time as economic power shifts and new members join the bank obviously the voting pattern is skewed in favor of the us some analysts have some come to the conclusion that the bank has increased poverty and been detrimental to the environment public health and cultural diversity it has also been alleged that the bank has been pursuing neoliberal agenda imposing policies on developing countries which have been damaging destructive and anti development of the late

आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ उसको कंट्रोल करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बना दो उसके लिए एक और बना दो दिस इज मतलब प्रेजेंट टाइम का दिस इज द बिटर ट्रुथ कि जो पावरफुल है वो किसी ना किसी तरीके से हर चीज को रूल करेगा तुम कुछ भी बना दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी ये इसके लिए ऐसा करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई पावरफुल इंसान जो है वो बैठ जाएगा सामने नहीं आएगा लेकिन उसे कंट्रोल करेगा आप वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ऐसा नहीं है कि भाई जो करप्शन है या ब्यूरोक्रेसी जैसी चीजें हैं ठीक है या फेवरेटिज्म जैसी चीजें हैं वो सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं है दुनिया में है क्योंकि दुनिया के हर लोग जो पावरफुल हैं वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि उनसे ऊपर कोई भी निकले तो उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाकर के कंट्रोल करने को चीजें तैयार रहते हैं तो इसीलिए बस थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हमें वर्ल्ड बैंक के बताई गई है कि